आज मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 2024 तक हम प्रदेश और देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छत देने में कामयाब होंगे, नगरपालिका अध्यक्ष बहन संतोष जी, उपाध्यक्ष सुभाष जी और सारे पार्षदों के अथक मेहनत से आज हम 204 लोगों की 1,55,00,000 के आसपास की राशि उनके खाते में डालेंगे। किसी की प्रथम किस्त है, किसी की द्वितीय किस्त है और किसी की तृतीय किस्त है। मुझे कहते हुए आज ये गर्व है कि देश 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहा है और इन 75 वर्षों में अगर हम विगत 8 वर्षों का कार्यकाल देखेंगे कि 68-67 साल के अंदर पूरे देश में शासन की योजनाओं से लाखों मकान से ज़्यादा नहीं पहुंच पाए होंगे। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नागदा खाचो विधानसभा में हम 15,000 से ज़्यादा पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत बना लेंगे और मध्य प्रदेश में 220 विधानसभा है। अगर हम 15,000 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि ये संख्या कितनी बड़ी संख्या होगी। और अगर उस पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक क्रांतिकारी कदम माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और इस सपने को साकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने करा है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उनकी मेहनत, स्थानीय कर्मचारियों की मेहनत, इस प्रकार इतनी सारी DPR बनाना। मैं नागदा खाचो विधानसभा के सारे लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 अंत तक 2025 का जनवरी में जब सूरज निकलेगा तो इस प्रसन्नता के साथ निकलेगा कि हम हर जरूरतमंद को उनका पक्का मकान देने में सफल होंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण है। इसमें माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी का एक अपना अथक प्रयास रहता है, क्योंकि ये केंद्र की सरकार की योजना है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, केंद्रीय मंत्री हमारे इस विभाग के, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।